तो भैया सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, मैं बढ़िया हूँ, सुनाओ तुम्हारे हाल चाल। तो यार आज का अपना प्लान ये था कि हमें सबसे पहले रोहतक जाना था, रोहतक जाके MC लोड डबल सेट टेप लानी थी ताकि हम अपना एक्शन कैम्प हेलमेट पे माउंट कर ले। लेकिन अभी तुम लोग देख रहे होगे कि मैंने राइडिंग जैकेट डाली हुई है, तो इसका मतलब है मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मैं आज जा रहा हूँ रवि के पास, और रवि के पास मैं क्यों जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि उसके फ़ोन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, क्योंकि उसके पास भी 1+5 है और मेरे पास 1+6 है, और मेरे फ़ोन में भी एक दो सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं। तो हमने प्लान करा था पिछले हफ्ते की सैटरडे को चलेंगे, और मुझे याद नहीं था। तो कल रात को मुझे रवि भाई का फ़ोन आया, उन्होंने बोला चल चलते हैं सर्विस सेंटर। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, चल पड़ते हैं। और उन्होंने बोला कि तेरा एक्शन कैम मैं माउंट कर दूंगा, तो दिक्कत मत ले। तो अभी तो हम निकलते हैं जल्दी से बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ तक तो मैं मोटो व्लॉग कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एक्शन कैम अभी लगा नहीं है। वहाँ पर जाएंगे, रवि भाई अपना एक्शन कैम माउंट करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। और एक और बात, अगर तुम ये व्लॉग आज देख रहे हो, मतलब 9 दिसंबर को, तो ये बात है कि सर्विस सेंटर वालों ने फ़ोन हाथ के हाथ ठीक करके दे दिया। और अगर आप इस व्लॉग को लेट देख रहे हो तो आप लोग समझ जाना कि मेरा फ़ोन उनके पास पड़ा है। तो देखते हैं क्या होता है, वो अपने पास फ़ोन रखते हैं फिर जल्दी से जल्दी ठीक करके दे देंगे हमें उसी टाइम। तो अभी जल्दी से निकलते हैं, नाश्ता वगैरह मैंने सब कर लिया है, बस जूते पहनने हैं, बैग टांगना है और निकलते हैं। सजनों अभी हम पहुंच गए हैं मिस्टर रवि के घर। तो यहाँ पर ये देखो भाई का सेटअप, मतलब सेम है बिल्कुल, बस ये नीचे जोबे का ट्राईपोड है और मेरा थोड़ा लोकल वाला ट्राईपोड है, और कोई फर्क नहीं है, सेम है सब कुछ। तो अभी भाई करेंगे नाश्ता और उसके बाद मेरे हेलमेट पे लगाएंगे माउंट। तो मैं आपको दिखा दूंगा माउंट किस तरीके से हम करेंगे इसको, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार एक बार दिखा तूने अपना एक्शन कैम कैसे माउंट करा है, तो आज आपको वो भी दिखा देंगे। और अभी समय सारणी हो गई है 10:20, तो भी जल्दी से निकलते हैं, है कि नहीं ब्रदर? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। यो शुरू करते हैं। और ब्रदर का रुक जा हाथ हटा। अच्छा, और ये भाई का चैनल भी है, रोडस्टर भी आप लोगों को पता ही है, ये रवि बंदा, इसका चैनल जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय बाय भैया। ये देखो ये रवि भाई का खजाना, ये पूरा डब्बा देखो कितने सारे माउंट से भरा पड़ा है, बहुत बहुत तरह के माउंट है इसमें। ये इनका पुराना SJ कैम का ये केस, अब भाई बंदे GoPro Hero 7 वाले हो गए हैं भाई साहब। तो अभी ये देख रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ लगाएंगे मेरे हेलमेट के लिए। तो जो मैंने इनको जुगाड़ बताया था वो इन्हें ठीक लगा, पर वो कह रहे हैं मैं तेरे को इससे और अच्छा करके बताता हूँ। सो गाइस, अभी हम सोच रहे थे कि यार माउंट लगा लेते, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत सी आ गई है, और वो दिक्कत ये है कि हम ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो भैया कह रहे हैं कि यार इसको आने के बाद लगा लेंगे, एक बार जल्दी से सर्विस सेंटर चलते हैं, वरना फिर यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम जल्दी से पहले जाते हैं सर्विस सेंटर। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये आ गई है, ये टूट गया, ये जो था ना ये पेज तो आ गया, पेज तो आ गया, और यहाँ से भी ये टूट गया। अब आपने बात DSLR नहीं है, फोन वाले ये पूरा टूट गया। तो ये थोड़ा टूटा, मतलब थोड़ा टूटा हुआ था, हमने पूरा ही तोड़ दिया, कोई बात नहीं है। तो इसको आने के बाद देखेंगे, एक बार जल्दी से चलते हैं। साकेत, साकेत है ना? ओके साकेत चलते हैं। तो भैया अभी 2 घंटे बाद हम यहाँ फाइनली इस मॉल में पहुँचे, और इस मॉल में पहुँचे सबसे पहले हमारे इस पेड़ पे नज़र पड़ी। ये जो पेड़ है ये बर्तनों से बनाया हुआ है, जी हाँ बर्तनों से।
तो भैया अभी जो टाइम हो गया वो हो गया 3:21, और अभी हमें कौन से मॉल में है, साकेत मॉल में है हम यहाँ पे। ये कोई साकेत में एक मॉल है, हम यहाँ पे हैं। तो 1+6 जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपना चेक करवा लिया, और 1+5 और दोनों के जो इश्यूज़ थे वो दोनों मतलब रिजॉल्व हो गए अच्छे से, और बीच में व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि मॉल के अंदर मतलब शूटिंग अलाउड नहीं थी, और मोटर व्लॉग इसलिए नहीं कर पाए आप लोगों को पता है क्योंकि कैमरा लगा नहीं है हेलमेट पे, तो इसलिए अभी हम सोच रहे थे अंदर बैठ के कैमरा लगाते, लेकिन फिर हमें पता चला कि हमारा एक छोटा सा कोई एक पार्ट था वो फिर से टूट गया, तो अभी वो मैं सोच रहा हूँ घर जाके लगाऊँ, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो अभी बस जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और आपको सीधे अभी घर ही मिलते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो गया 7:30 और अभी जाके मैं अपने घर में घुसा हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गए, और वो लेट इसलिए हो गए क्योंकि यार दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और सबसे पहले तो मैंने रवि को उसके घर में ड्रॉप करा, और अभी उसको ड्रॉप करने के बाद मैं घर पहुँचा हूँ, और यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सुबह मैंने सोचा था कि यार मैं 3 से 4 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन 3 मुझे वहीं बज गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 3-4 बज गए उधर मुझे, तो अभी जाके फाइनली पहुँच चुके हैं। और आज के व्लॉग का मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि यार आज कैमरा निकालने का मौका ही नहीं लगा, और जहाँ पे मौका लगा वहाँ पे थोड़ा मूड नहीं था क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, उसने पहले ही दिमाग की दही कर दी थी अच्छे से, तो और आज अपने पास एक्शन कैम भी नहीं था। तो अब आपकी श्रद्धा है, आज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो भैया लाइक कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि कोई आइडिया नहीं मुझे आपको कैसा लगा। तो अभी बस जल्दी से यार नहाता धोता हूँ, अभी आपके सामने आया हूँ, और फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद, और आपको मिलते हैं कल यानी कि मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।